अक्षय कुमार की भूल भुलैया जब आई थी तो उसने मार्केट में तहलका मचा दिया और पार्ट टू आने में लगभग 15 साल का गैप हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि कार्तिक आर्यन को लेके ये गलती की गई है, भूल भुलैया सिर्फ अक्षय कुमार के लिए बनी है ये मूवी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बॉक्स ऑफिस पर इसका कारनामा उल्टा ही हो गया और लोगों ने कार्तिक आर्यन को बहुत ही पसंद किया। अक्षय कुमार की भूल भुलैया से लेके कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया पार्ट टू में आने में 15 साल का गैप लगा, लेकिन अब पार्ट टू से पार्ट थ्री बस 2 साल का गैप है। फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने एक इंटरव्यू में बोला था, वेटिंग फॉर गुड स्क्रिप्ट, ऑडियंस तो हमारी रेडी है नेक्स्ट पार्ट के लिए, बस एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए। और यही हुआ, एक अच्छी तगड़ी स्क्रिप्ट मिल चुकी है और इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, नेक्स्ट ईयर दिवाली में 2024 में आपको भूल भुलैया 3 देखने को मिलेगी। कार्तिक आर्यन की फिल्म सहजादा भले ही बॉक्स ऑफिस पर पिट गई हो, लेकिन कार्तिक आर्यन का जलवा अभी भी बरकरार है और उन्होंने सक्सेस का एक और नया तरीका निकाल लिया है, क्योंकि बीते साल भूल भुलैया 2 और मंजुलिका की पायल की छनछन तो याद होगी आपको। फिल्म के बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले रूह बाबा फिर से लौट रहे हैं, इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक और खौफनाक कहानी के साथ। कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर भूल भुलैया 3 का अनाउंसमेंट कर दिया है। महज 5 घंटे में 1,75,000 लाइक्स यूट्यूब पे और 9 लाख लाइक्स इंस्टाग्राम पे मिले और 17.5 लाख व्यूज मिल गए हैं। अब सोच सकते हो कि सुपरहिट मूवी के सीक्वल का इतना ज्यादा क्रेज और इससे भी ज्यादा क्रेज है कार्तिक आर्यन का। 57 सेकंड के इस वीडियो में आपको वही दरवाजा दिखेगा जिस पे रूह बाबा ने ताला लगाया था ताकि मंजुलिका की आत्मा बाहर ना निकल सके। कार्तिक आर्यन ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें भवानीगढ़ की वीरान हवेली को दिखाया गया है जिसमें भूल भुलैया 2 की कहानी आगे बढ़ती है। वीडियो में कार्तिक आर्यन ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, क्या लगा कहानी खत्म हो गई है, दरवाजा बंद होता ही इसलिए है ताकि एक दिन फिर से खुल सके। कार्तिक आर्यन उसी स्वैग में रूह बाबा के कपड़े पहने हुए कुर्सी पर बैठे दिखते हैं और आमी जे तुम्हार बैकग्राउंड में चलता है। वो पिछली कहानी के अपने डायलॉग को रिपीट करते हुए कहते हैं, मैं आत्मा से सिर्फ बात नहीं कर सकता, आत्मा मेरे अंदर भी आ जाती है। इस मूवी अनाउंसमेंट वीडियो को देख के याद रखना, 2024 में कार्तिक के कैरियर को ये नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी ये मूवी। क्या वीडियो बनाया है, इसको बोलते हैं धमाकेदार कमबैक। वीडियो स्टार्टिंग से ही जो पायल बजने का साउंड इफेक्ट विद एक्स्ट्रा पावरफुल साउंड इफेक्ट ऑफ लाइट एंड कैमरा मूवमेंट ऑन मेजर पार्ट्स, क्या मस्त ब्लेंडिंग हुई है, कार्तिक की आवाज उसके ऊपर सोने पे सुहागा और लास्ट में इस मूवी का सिग्नेचर ट्यून इसको पूरा कंप्लीट बनाता है, लाजवाब मजेदार बहुत बढ़िया। रियली इट विल मेक यू एक्साइटेड एंड वर्थ वेटिंग फॉर दिस मूवी टिल 2014 दिवाली। भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन से मिलने के लिए तो अगले साल वेट करना पड़ेगा, बट हम और आप मिलेंगे अपनी जल्द ही अगली आने वाली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।